आपको मैं जो है सेकेंडरी सिलवाल पढ़ाता हूँ। सिलवाल में मैंने आपको प्राइमरी पढ़ा दी है, सेकेंडरी सिलवाल देखिए। तो प्राइमरी सिलवाल देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया था बीच में ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है, ये दो प्लांट सेल है। इन प्लांट सेल में अगर देखा जाए तो दोनों प्लांट सेल को जो बीच में ग्लूड कर रहा है, जो होल्ड कर रहा है, वो मिडिल लैमेला होती है। इस मिडिल लैमेला के ठीक बाद एक रेगुलर लेयर है जिसे हम लोग प्राइमरी सेल वाल कहते हैं। अब आप इस प्राइमरी सेल वाल के बाद, मतलब प्राइमरी सेल वाल के अंदर जो बनेगी, ये आप देखिए प्राइमरी सेल वाल के अंदर जो लेयर बनती है वो सेकेंडरी सेल वाल बनती है। लेकिन आप ये देखिए ये सेकेंडरी सेल वाल बनती कैसी है, आप थोड़ा सा इस पे फोकस करेंगे। ये सेकेंडरी सेल वाल कंटिन्यूअस नहीं है। तो इस सेकेंडरी सेल वाल में ये देखिए ऐसे बीच बीच में, ये बीच बीच में डिसकंटिन्यूअस है। इस सेकेंडरी सेल वाल में तीन लेयर होती है, ये देखिए, चाहे आप इधर बना दें और चाहे आप इधर बना दें। मतलब अगर आप सेकेंडरी सेल वाल बना रहे हैं तो आपको इसमें तीन लेयर दिखानी पड़ेगी। तो ये कंटिन्यूअस ना होकर डिसकंटिन्यूअस लेयर है। ये तीन लेयर मिलकर सेकेंडरी सेल वाल का फॉर्मेशन करती है। ये कौन कौन सी लेयर है, इनका अगर आपको नाम लिखना है तो एक लेयर है जिसका नाम S1 है, एक का नाम है S2 है और एक का नाम S3 है। ये S1, S2, S3 मिलके सेकेंडरी सेल वाल का फॉर्मेशन करती है। ये देखिए, अगर किसी सेल में सेकेंडरी सेल वाल हो जाता है तो वो सेल परमानेंट हो जाती है, मतलब वो सेल डिवीजन में नहीं जाएगी। तो अगर आपको सेकेंडरी सेल वाल का लोकेशन लिखना है, सेकेंडरी सेल वाल का लोकेशन लिखना है तो लिखिए located on inner side of प्राइमरी सेल वाल। ये जो प्राइमरी सेल वाल है इसके ठीक बाद सेकेंडरी सेल वाल पाई जाती है। दूसरा कंटिन्यू लिखिए, दूसरे लिखिए या डिसकंटिन्यूअस लेयर है, मतलब ये हुआ कि इस ये कंटिन्यूअस है नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस लेयर है, बीच बीच में गैप है, ये आपको ध्यान रखना है, डिसकंटिन्यूअस लेयर है। अगर हम इसके गैप को क्लियर करें तो देखिए ये एक गैप है, यहां पर एक गैप है और यहां पर एक गैप है, ये तो ये जो गैप है इन गैप को हम लोग पिट्स कहते हैं। ये देखिए ये पिट्स है, ये जो गैप आप देख रहे हैं ये पिट्स है। तो अगर आपको लिखना है तो आप लिखिए इसका करेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी सेल वाल में पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए पिट्स प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों तरफ होते हैं। तो अगर आपको ध्यान देखना है तो सबसे पहले मिडिल लेयर है, फिर प्राइमरी सेल वाल है, फिर सेकेंडरी सेल वाल है। अगर आप ये देखिए कि जब सेकेंडरी सेल वाल बन जाती है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, तो प्राइमरी सेल वाल, ये बात आप फिर से मैं आपको कंफर्म करा देता हूं, प्राइमरी सेल वाल डिमिनिश कर जाती है। डिमिनिश कर जाना मतलब पतली हो जाती है या वीक हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको लिखना है कि इसमें जो सेलोज है, इसमें जो सेलोज है उसका अमाउंट ज्यादा है। ये देखिए इसमें जो हेमी सेलोज है, इसमें जो हेमी सेलोज है इसका अमाउंट कम है, उल्टा चलता है और इसमें पेप्टिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। आपको ये पूरी बात ध्यान रखनी है सेकेंडरी सेल वाल के बारे में। और भी सारी बातें हैं लेकिन सबसे पहले आप एक बार कंफर्म कर लें कि यह प्राइमरी सेल वाल के बाद पाई जाती है, डिसकंटिन्यूअस लेयर है, पिट्स प्रेजेंट होते हैं। पिट्स प्रेजेंट होना सेकेंडरी सेल वाल का करेक्टरिस्टिक फीचर है, ये भी आपको फोकस करना है। ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। करेक्टरिस्टिक फीचर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है सेकेंडरी सेल वाल का। मैं फिर से फोकस करता हूं, प्राइमरी सेल वाल के अंदर है, सेकेंडरी सेल वाल डिसकंटिन्यूअस लेयर है, पिट्स प्रेजेंट है, सेकेंडरी सेल वाल जब बन जाती है तो प्राइमरी सेल वाल डिमिनिश कर जाती है, सेलोज ज्यादा है, सेलोज कम है और इसमें पेप्टिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। इसके सिवा अगर आपको ये लिखना है, इसके बारे में थोड़ी सी और बात लिखें सेकेंडरी सेल वाल के बारे में, द कंपोज्ड ऑफ थ्री लेयर्स, ये जो है तीन लेयर की बनी है, कंपोज्ड ऑफ थ्री लेयर्स। वो कौन कौन सी थ्री लेयर्स है, तो कंपोज्ड ऑफ थ्री लेयर्स अगर आपको लिखना है तो तीन लेयर्स का नाम लिखिए, एक S1 है, एक S2 है, एक S3 है। एक और बात लिखिए, हार्ड बाई ये देखिए अपोजिशन एंड अक्रीशन नाम है। ये देखिए अपोजिशन एंड अक्रीशन, ये दो प्रक्रियाएं हैं जिससे इसका फॉर्मेशन होता है, इंटरसेप्शन एंड अक्रीशन, सॉरी ये इंटरसेप्शन लिखा जाए यहां। मैं भी आपको इसको कंफर्म करा देता हूं कि ये इंटरसेप्शन होता क्या है, इंटरसेप्शन और एक्रीशन क्या टर्म होता है। आप अगर समझना चाहें समझ लें, ये जो लेयर बनती है ये
लेयर का फॉर्मेशन यही साइटोप्लाज्म कराता है। तो जो लेयर बनती है वो उस प्रक्रिया को इंटरसेप्शन कहते हैं, और इन लेयर्स के बीच में जो डिपोजिशन होता है उस प्रक्रिया को अक्रीशन कहते हैं। मतलब लेयर का फॉर्मेशन इंटरसेप्शन से होगा और उनके बीच में जो सब्सटेंस भरा जाएगा वो जो है एक्रीशन है। या आप ऐसे समझ लें कि ये तीन लेयर है, ऐसे आप समझें ये तीन लेयर है। इन तीन लेयर का नाम क्या है, अगर आप ध्यान से देखें ये ऐसे यहाँ पे ये तीन लेयर है, तो ये S1 है, ये S2 है, S3 है। इन तीनों लेयर का फॉर्मेशन कौन करता है, साइटोप्लाज्म। तो उस प्रक्रिया को हम लोग इंटरसेप्शन कहते हैं। लेकिन इनके बीच में जब मटेरियल भरा जाता है, इनके बीच में जो स्पेस है वो भरा जाता है, तो उसे हम लोग अक्रीशन कहते हैं। ये देखिए फिर लिखिए प्रेजेंट इन ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, प्रेजेंट इन परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू मतलब ऐसे टिश्यू जो परमानेंट हो गए। परमानेंट मतलब क्या हुआ, जो आप डिवीजन में नहीं जाएंगे। इसका मतलब सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है इसमें ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा इसका। जब परमानेंट टिश्यू हो गए तो आप कहेंगे कौन कौन से सेल्स हैं, मैंने कह दिया सर ये दो जो सेल्स हैं एक जाइलम है और एक फ्लोएम है। इन सेल्स को कभी डिवीजन नहीं होगा, ऐसा इसलिए होगा कि जिस सेल में सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा उस सेल में फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता है, लेकिन जिस सेल में प्राइमरी सेल वॉल पाई जाएगी, केवल प्राइमरी सेल वॉल पाई जाएगी उसमें डिवीजन होगा। एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जहां सेकेंडरी सेल वॉल पाई जा रही है वहां प्राइमरी है। मेरिस्मेटिक टिश्यूज में केवल प्राइमरी है, जबकि परमानेंट टिश्यूज में प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी है। डिफरेंस देख लीजिए, यह प्राइमरी सेल वॉल के अंदर है, डिसकंटिन्यूअस है, पिट्स प्रेजेंट है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सेकेंडरी सेल वॉल जब बन जाती है तो प्राइमरी सेल वॉल खत्म हो जाती है। सेलुलोज का अमाउंट ज्यादा है, सेलुलोज का अमाउंट कम है, पेटी सब्सटेंस पड़े हुए हैं। तीन लेयर की बनी है, S1, S2, S3, और इसमें इंटरसेप्शन अक्रीशन प्रक्रिया से बनती है। इंटरसेप्शन से इसकी लेयर बनती है, अक्रीशन के द्वारा इसके बीच में जो है मटेरियल डिपॉजिट होता है और ये परमानेंट टिश्यूज में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके सिवा थोड़ी सी बात आपको और सीखनी है, ये देखिए टर्शरी सेल वॉल। तो अगर आपको टर्शरी सेल वॉल लिखनी है तो मैं आपसे पूछूं कहाँ बनेगी। आप यहाँ फिगर देखेंगे तो कहेंगे सर फिगर के बगल में टर्शरी बनेगी, तो मैं अगर आपको लिखूं इसके बारे में क्या कमेंट लिखा जाएगा, तो ये देखिए आप लिखेंगे प्रेजेंट बीनीथ सेकेंडरी सेल वॉल। ये सेकेंडरी सेल वॉल के ठीक नीचे पाई जाती है। दूसरा लिखिए प्रेजेंट इन, कहां पर पाई जाती है, प्रेजेंट इन अफट से लिखिए, इसकी एनसीईआरटी ने कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन आप लिखिए प्रेजेंट इन ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, प्रेजेंट इन ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये लिखिए आप। ये टर्शरी सेल वॉल है, हर जगह नहीं पाई जाती है, सिर्फ जिम्नोस्पर्म के ट्रैकेट्स पे पाई जाती है। अगर आपको बनाना होगा तो आप ऐसे बनाएंगे कि सर अगर आपको टर्शरी बनानी है तो अंदर बनाए, तो आप सीक्वेंस देख लें, सबसे बीच में मिडिल लाइन मिला, फिर प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल, और सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर टर्शरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब आपको ये मैंने प्राइमरी पढ़ा दी, सेकेंडरी पढ़ा दी और टर्शरी पढ़ा दी। आपको मैं इसी सेल वॉल के भी रेस्पेक्ट में तीसरी बात पढ़ाता हूँ, ध्यान सुनिएगा। अब आपको ये चीज पढ़नी है, आपको पढ़ना है प्लाज्मोडेस्माटा। ये एक टॉपिक है, 11th की एनसीईआरटी ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया और आपको भी अच्छे से सीखना है। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एनसीईआरटी है इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको इसी सेलवाल में पढ़नी है, सेलवाल की अंतिम लाइन एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी आपको याद होनी चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो जग सुना सुना लगेगा। ये देखिए प्लाज्मोडेस्माटा माने क्या हुआ, आप समझे, यहाँ प्लाज्मो मतलब हुआ, अगर आप ये देखिए ऐसे लिखिए साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ये देखिए साइटोप्लाज्मिक क्या कनेक्शन, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल। एडजेसेंट प्लांट सेल मतलब जो प्लांट सेल बगल बगल में है उनके बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है उसी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को हम लोग जो है प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। अब आप इस बात को यहां पर देखें, जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि भाई देखिए ये प्लांट सेल है, तो आप कहेंगे सर अगर ठीक है प्लांट सेल मैंने मान लिया, हमने कहा भाई एक प्लांट सेल ये है और एक प्लांट सेल ये है और इसमें सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है, तो सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है तो आप कहेंगे अगर सर सेकेंडरी सेल वॉल है तो आप लिख दीजिए ना कि ये परमानेंट इश्यू है। हमने लिख दिया भाई ये परमानेंट इश्यू है, अब आप कहेंगे तो लिखना नहीं पड़ेगा, दोस्ती तो हमारी आपकी है, ये परमानेंट इश्यू है।
तो अब ये बताइए परमानेंट टिश्यू है जब ये, तो अगर आपने यहाँ पर कोई वाटर वगैरह कुछ भी डाला, न्यूट्रिएंट डाला, तो जाइलम फ्लोएम ही है, तो इस सेल का मटेरियल इस सेल में ट्रांसपोर्ट होगा, तो इस सेल का मटेरियल इस सेल में जब ट्रांसपोर्ट होगा तो वो इसी पिट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। ये देखिए इसी पिट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इसके सेल के साइटोप्लाज्म से और इसके सेल के साइटोप्लाज्म में एक तरह का सेलुलर कनेक्शन है, या सेलुलर कनेक्शन है सॉरी, तो वो डेस्मोट्यूब्यूल्स हो जाएंगे। ये प्लाज्मोडेस्मेटा है, प्लाज्मोडेस्मेटा माने इस सेल के साइटोप्लाज्म से इस सेल के साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। या आप इसी बात को यहां पर एक दूसरा फिगर आप देख लें, जैसे ये देखिए एक सेल ये है और एक सेल ये है, ये दो सेल आपके पास है, ऐसे तीन सेल बना लेते हैं। और अब इन तीनों सेल्स में इस सेल का जो मान लीजिए ये जो सेल है ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो अगर आपको इनके बीच में कनेक्शन डेवलप करना है तो आप क्या करेंगे, इन सेल्स के बीच में इन जगहों पर ऐसे पिट्स बनेंगे। आप वहां पर ऊपर में देखिए, अभी आप यहाँ नीचे देखें, और इस सेल का ये जो साइटोप्लाज्म है, इस सेल का ये जो साइटोप्लाज्म है ये मूव करके इस सेल में जाएगा, उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, ये ऐसे यहां मूव करके जाएगा, ऐसे यहां का साइटोप्लाज्म मूव करके यहां जाएगा, और इसका साइटोप्लाज्म मूव करके यहां जाएगा। इसका मतलब एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल में इसे मूव करके जा रहा है। इस तरह से अगर आप देखें तीन सेल्स के साइटोप्लाज्म में आपस में एक खास तरह का स्ट्रीमिंग हो रही है, एक मूवमेंट हो रहा है, और इसी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को हम लोग प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, ये साइटोप्लाज्म का कनेक्शन है, सेल का कनेक्शन नहीं है, इसका ध्यान रखना है। इस टर्म का एक्सप्लेनेशन, ये जो टर्म है टर्मवास साइटोप्लाज्म जो टर्म है टर्मवास क्वाइंट वाई, ये देखिए एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था स्ट्रासबर्गर। ये स्ट्रासबर्गर एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले प्लाज्मोडेस्मेटा टर्म का इस्तेमाल किया। प्लांट सेल में ये देखिए, जब मैंने अभी आपको बताया था कि जब ये मिडिल लैमेला है, ये प्राइमरी सेल वाल है, ये सेकेंडरी सेल वाल है, तो जब प्राइमरी सेल वाल बन जाती है, सेकेंडरी सेल वाल बन जाती है, तो प्राइमरी सेल वाल पतली हो जाती है। फायदा होता है कि इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल के साइटोप्लाज्म में मूव करके चला जाता है, और जब इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल के साइटोप्लाज्म में मूव करके चला जाता है तो उसके इस कनेक्शन को हम लोग प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। और ये देखिए इस तरह से कनेक्शन है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, आपको ये बात देखनी है। इसके सिवा एक शब्द और है जो आपको सीखना पड़ता है, आप यहां देखिए एक शब्द लिखा है, मैं आपको सिखा रहा हूं डेस्मोटिब्यूल्स सिखा रहा हूं। देखिए डेस्मोटिब्यूल्स, अगर आप ये समझे इसकी मीनिंग समझना चाहें तो यहां डेस्मो माने हुआ कनेक्शन, ऐसे आप इसकी मीनिंग समझे आप जिंदगी भर नहीं बोलेंगे। और ये देखिए टिब्यूल्स, वो कनेक्शन किसके द्वारा है, तो आप कहेंगे सर टिब्यूल्स के द्वारा है, तो डेस्मोटिब्यूल्स है क्या? अभी मैं ये बता रहा हूं कि इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल में मूव करके जा रहा है, तो आखिर लेके कौन जा रहा है? ये लेके जा रही कुछ खास तरह की टिब्यूल्स हैं जो एक सेल से अगले सेल में मूव करके ले जा रही हैं, और इन टिब्यूल्स जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टिब्यूल्स हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डेस्मोटिब्यूल्स क्या है, तो आप कहेंगे टिब्यूल्स ऑफ क्या बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन साइटोप्लाज्मिक क्या बेटा, स्ट्रीमिंग, एक सेल से अगले सेल में जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसे कौन कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टिब्यूल्स कर रही है। मतलब इस सेल से इस सेल में जो मटेरियल जा रहा है उस मटेरियल को यही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टिब्यूल्स है ये मूव करा के सेल में ले जा रही है। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि सेल के लोअर साइज से, मतलब नीचे से जड़ से, और पानी या न्यूट्रिएंट जो है ऊपर तक ट्रांसफर हो जाएगा इसके तरीके से। तो इस सेल का इस सेल से जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन प्लाज्मोडेस्मेटा है, और उस कनेक्शन को कैरी कौन कर रहा है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कौन करा रहा है, इसका ध्यान रखना है। वो चीज है टिब्यूल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इन टिब्यूल्स को हम लोग डेस्मोटिब्यूल्स कहते हैं। एक बात और आप देख लें, डिपोजिशन क्या होता है, अगर आप या आपसे कनेक्शन इसका सेल वाल का फंक्शन देखें, सीधा टिब्यूल्स सीधे फंक्शन देखें, सेल वाल का फंक्शन क्या है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि सेल वाल नॉन लिविंग लेयर है, सेल वाल जो है वो नॉन लिविंग है, उसमें लाइफ नहीं है, इसलिए पहली बात लिखिए इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम बैक्टीरिया,
या फ्रॉम पैथोजन लिख लीजिए। किसी भी आप ये सोचिए, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, मैं अगर आपसे कहूँ कि ब्लैक बोर्ड लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो आप कहेंगे सर नॉन लिविंग है। हमारी आउटर स्किन क्या है, लिविंग है नॉन लिविंग है, तो आप कहेंगे नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग है, तो जब कोई चीज नॉन लिविंग होगी तो उसमें किसी बैक्टीरिया पैथोजन का इन्फेक्शन नहीं होता है। इसलिए सेलवाल का पहला काम है कि सेलवाल जो है हमारी प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करती है। हमारे नेचर ने, जो हमारी मदर नेचर है, उसने क्या किया, एनिमल से प्लांट्स के ऊपर आउटर कवरिंग नॉन लिविंग लगा दी है। ये स्टेटम कॉर्नियम है, नॉन लिविंग है, और प्लांट सेल के ऊपर जो आउटर लेयर है सेलवाल, वो भी नॉन लिविंग है। फायदा ये हो जाता है कि जब कोई चीज नॉन लिविंग होती है तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस जीरो होते हैं। पहला फंक्शन है इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम पैथोजन। दूसरा देखिए, सेलवाल जो होती है, सेलवाल इज परमिएबल, ऐसा लिखा है, सेलवाल इज परमिएबल, परमिएबल परमिएबल होती है, लेकिन ध्यान रखें इट प्रिवेंट्स, अगर आपको लिखना है इट प्रिवेंट्स, इट प्रिवेंट्स ट्रांसफर ऑफ, इट प्रिवेंट्स ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर ऑफ अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल, ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी की लाइन है, मैं इसको लिख के अंडरलाइन कर देता हूं, अनडिजायरेबल मिक्रो मॉलिक्यूल, फोकस करना है, एनसीईआरटी ने यही लिखा हुआ है, यही याद करना है। परमेबल तो है, लेकिन जो अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल को सेल के अंदर ट्रांसफर नहीं होने देता है। और तीसरी बात देखिए, कसम से आपको मजा आ जाएगा, हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, एक सेल से अगले सेल के इंटरेक्शन में सेल वॉल मदद करती है, इंटरेक्शन। ये देखिए तीन फंक्शन हो गए सेल वॉल का। तो पहले पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है, दूसरा जो है परमेबल तो है लेकिन अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल को ट्रांसफर नहीं होने देती है, और दूसरा है, तीसरा फंक्शन है सेल टू सेल इंटरेक्शन करती है। ये तीनों फंक्शन, ये देखिए मेडिकल का जो टिकट है एनसीईआरटी, उस एनसीईआरटी के में ये एक्सप्लेन है। पूछा जाता है कि कौन सा सेल वॉल का फंक्शन नहीं है, तीनों याद कर लो, इसके बाद जो चौथा होगा वो फंक्शन नहीं होता है, कंफ्यूज मत होना। अब आपको मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाता हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखें, इसके टोटल कितने नाम हैं। सबसे पहले आप इसका देखिए, इसका दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये दूसरा नाम हो गया। इसका तीसरा नाम है प्लाज्मा लेमा कहते हैं इसको, ये देखिए प्लाज्मा लेमा कहते हैं, ये देखिए इसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन नाम है, इसके बहुत सारे नाम है, यूनिट मेम्ब्रेन नाम है, ये देखिए यूनिट मेम्ब्रेन नाम है। फिलहाल हम लोग इसकी स्टडी करना शुरू करते हैं, तब पता चलेगा। तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, यूनिट मेम्ब्रेन, बहुत सारे नाम है, हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं। सबसे पहले जो साइंटिस्ट का नाम आता है वो आता है जेक्यू प्लावर का। डिस्कवरी अगर देखा जाए तो ये जेक्यू प्लावर ने फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म प्लाज्मा लेमा। सबसे पहले जेक्यू प्लावर ने इसे प्लाज्मा लेमा कहा, ये आपको याद करना है। दूसरा याद करना है, एक साइंटिस्ट टाइम का नाम कार्नेगेली है, कार्नेगेली नाम है, कार्नेगेली ने इसे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। ये देखिए हम आपको पूरी इसकी डिटेल सिखाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा, ये इसकी हिस्ट्री है। जेक्यू प्लावर ने इसे सबसे पहले प्लाज्मा लेमा कहा, कार्नेगेली ने इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। ये देखिए एक साइंटिस्ट है, इनका नाम रॉबर्टसन है, ये नाम आता है, आपको सीखना भी इनके बारे में। रॉबर्टसन ने इसे यूनिट मेम्ब्रेन कहा, रॉबर्टसन ने इसे यूनिट मेम्ब्रेन कहा। तो ये तो अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन किया है, एनसीईआरटी में कहीं पर भी इनका कोई नाम नहीं है, तो फुर्सत मिल गई, अगर आपको पढ़ना है पढ़ना है, नहीं तो जैसा भी आपको मन कहे। तो जेक्यू प्लावर ने इसे प्लाज्मा लेमा कहा, कार्नेगेली ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा, रॉबर्टसन ने इसे यूनिट मेम्ब्रेन कहा। ये तो वो नाम है जो आप सुनते हैं, इसके सिवा भी इसके बहुत सारे नाम, आप कहेंगे सर और क्या नाम इसके। तो अगर इसके आप नाम ये देखें, तो सबसे पहले इसकी आप अकरेंस देख ले, पाई कहां जाती है, अकरेंस देख ले फिर नाम देखे जाते हैं। अकरेंस माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां पाई जाती है, सबसे पहले पाता पे देख ले। तो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, और चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो,
दोनों सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी। बहुत बेसिक सी बात है, अगर आपकी आपका घर है तो उस घर पे बाउंड्री तो होगी ही, बाउंड्री है और तुम बाउंड्री छल मेजर अपने बाउंड्री ऊपर कर लो, हम एक फलांग में एक छलांग में कूद के बाहर हो जाएंगे। तो वो जो बाउंड्री है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये देखिए, ये चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। अगर आप यूकैरियोटिक, एक बात और देख लें, एनिमल सेल अगर है, एनिमल सेल अगर है चाहे वो प्रोकैरियोटिक चाहे यूकैरियोटिक, तो वो आउटर बाउंड्री है, मतलब एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कितनी सिंपल सी बात है, ये देखिए। लेकिन अगर वो प्लांट सेल है, अगर वो प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में, मैं आपसे पूछूं कि प्लांट सेल में वाली आप एनिमल सेल देख लीजिए, अगर कोई एनिमल सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, ऐसे लिख लीजिए, ये साइटोप्लाज्म है, तो ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एनिमल सेल है। लेकिन अगर आपने कहा सर प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में क्या होगा, प्लांट सेल में देखिए प्रेजेंट बिलो सेल वॉल, ये ऐसे लिख दीजिए कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रेजेंट बिलो, लिखते जाइए इसे सेल वॉल, ये लिख दीजिए सेल वॉल, लिख दीजिए सेल वॉल। अगर आपको इसका फिगर बनाना है तो ऐसे यहां बना दीजिए, ये ऐसे बनाइए, ये बनाइए, ये क्या है न्यूक्लियस है, ये क्या है साइटोप्लाज्म है, ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके ऊपर का ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, आप कहेंगे सर सेल वॉल है। तो कुल मिला के एनिमल सेल में, एनिमल सेल में ये आउटर बाउंड्री है और प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर पड़ी हुई है। अब इसके और भी कुछ कुछ बातें हैं, आप याद रख लें कुछ कुछ बातें क्या है। पहली बात तो आपको याद करना है लिविंग है, मैंने आपको कहा था लिविंग है। सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो भी चीजें पाई जाती है नॉन लिविंग होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सब के सब लिविंग होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है, एंड आप एक बात और लिख लें, एंड सेलेक्टिवली परमिएबल है, ऐसे इस बात को एक्सप्लेन कर लें, लिविंग है और सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है और सेलेक्टिवली परमिएबल है, ये आपने तीसरी बात इसे फट से नोट कर दी। अब आप इसके अदर नेम्स देख लीजिए, इसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं, अदर नेम्स क्या है इसके, और क्या कुछ नाम है ऐसा सेल बायोलॉजी में। जी हाँ, देखिए क्या क्या नाम है इसके नाम। सबसे पहला इसका जो सेल बायोलॉजी नाम हम लोग देखते हैं, वो नाम देखते हैं कि किसी एक जगह पर इसका नाम मीसोसोम है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक नाम मीसोसोम भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो क्या है मीसोसोम, कभी भी आप ऐसे बैक्टीरिया बनाते हैं ऐसे, तो बैक्टीरिया जब आप बनाते हैं तो सबसे आउटर बाउंड्री आप मान लीजिए लिख दिया आपने सेल वॉल, तो अगर आपने सेल वॉल लिख दिया तो बैक्टीरिया क्या हुआ, प्लांट हुआ कि एनिमल हुआ, आप बोलेंगे सर वो प्लांट हुआ। तो सेल वॉल लिख दिया और सेल वॉल के अंदर आपने ऐसे एक बाउंड्री खींचना शुरू की और बीच में आपने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, तो आप मुझसे मैंने पूछा ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस फोल्डिंग को क्या कहते हैं, इस फोल्डिंग को हम लोग कहते हैं मीसोसोम कहते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक नाम मीसोसोम भी है। तो अगर आपको लिखना है तो इस मीसोसोम को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बैक्टीरिया के केस में, मतलब जो बैक्टीरिया है उसमें मीसोसोम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या है, इनफोल्डिंग है। आपको मैं बता दूं एनसीईआरटी ने इसके सात फंक्शन लिखे हुए हैं, क्या क्या फंक्शन लिखे हैं, और मैं अगर आपको बता दूं कि ये जो मीसोसोम है ये एनालॉगस टू, एनालॉगस टू ये आपको क्लास 12 से पढ़ने को मिलेगा, एनालॉगस टू माइटोकांड्रिया है, मतलब जो काम माइटोकांड्रिया का है वही काम मीसोसोम का है। तो माइटोकांड्रिया का काम क्या है, सेलुलर एक्सप्रेशन करना, एटीपी का प्रोडक्शन करना, वही काम ये भी करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे मीसोसोम क्या है तो आप बताएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा बैक्टीरिया के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इनफोल्डिंग है, जिसे मीसोसोम कहते हैं। दूसरा नाम इसका देखिए, इसका दूसरा नाम किसी एक जगह डोनर मेम्ब्रेन है। आपको विश्वास नहीं होगा, आपको बहुत परेशान नहीं होना है, हर जगह ये आपको नाम मिलता रहेगा, आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे कल्याण नहीं है। तो डोनर मेम्ब्रेन के बारे में आप देख लीजिए, ये देखिए ये ऐसे बना लीजिए और नाम लिख दीजिए बड़ा बड़ा आरबीसी। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना कह के हम लोग बेटा डोनर मेम्ब्रेन कहते हैं। आप नए लर्नर हैं लेकिन आपको सीखना है, तो आपको क्या लिखना है, ऐसे सिंपल से लिखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। ये देखिए आपने लिख दिया आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डोनर मेम्ब्रेन कहते हैं, ये याद करना है। तीसरी बात आपको याद करना है कि इसका एक नाम सार्कोलेमा भी है। लो भाई
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक नाम सार्कोलेमा भी है। तो कौन सा नाम है सार्कोलेमा में, ये देखिए ऐसे फिगर बनाइए और ऐसे फिगर बना के इसका न्यूक्लियस बना दीजिए। यहाँ लिखिए कि इसका नाम मसल सेल है, मसल सेल है। तो अगर ये सेल है, एनिमल सेल है, इसकी आउटर बाउंड्री क्या होनी चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन इसकी आउटर बाउंड्री को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना कह के इसकी आउटर बाउंड्री को हम लोग सार्कोलेमा कहते हैं। ये देखिए, परेशान मत होइए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको यहाँ लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल सी एक लाइन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। ये देखिए हमने फट से लिख दिया, मसल सेल की आउटर बाउंड्री को ये हम लोग क्या कहते हैं, सार्कोलेमा। एक नाम इसका और है, ये देखिए एक्सोलेमा है। आप कहेंगे अरे सर ये तो बहुत आसान है, एक्सोलेमा लिख दिया तो मुझे एग्जाम की फीलिंग आ रही है, तो मैं भी सिंपली ऐसे लिख देता हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल। ये देखिए ये नर्व सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये देखिए। तो इसके इतने नाम हो गए, फिर से आप एक बार देख लीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, यूनिट मेम्ब्रेन। जेक्यू प्लवर ने इसे प्लाज्मा लेमा कहा, कार्नेगी ने इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा, रॉबर्टसन ने इसे यूनिट मेम्ब्रेन कहा। अक्रेंस देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों पाई जाती है। अगर एनिमल सेल है तो उसकी आउटर बाउंड्री है, प्लांट सेल है तो सेल वॉल के अंदर पड़ी है, यही बात मैंने आपको सिखाया है। बैक्टीरिया के केस में इसका नाम मीसोसोम है, इनफोल्डिंग हो जाती है बैक्टीरिया में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को मीसोसोम कहते हैं। एनसीईआरटी ने उसके सात फंक्शन लिखे हैं, सातों आपको याद होना चाहिए, हम आपको बैक्टीरिया पढ़ाएंगे सिखाएंगे। फिर आपको ये देखिए डोनर मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, आरबीसी की मेम्ब्रेन को डोनर मेम्ब्रेन कहते हैं, मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सार्कोलेमा कहते हैं, और नर्व सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग एक्सोलेमा कहते हैं। ये है फंक्शन इसके, सारे नाम इसके।